बाद में ज्वाइन किया मतलब 11th में, और उसके बाद से हमारा स्कूल मतलब खुला ही नहीं। हमारे एक चाइना ने कोविड ऐसा भेजा कि उसके बाद हमारा स्कूल अब जाके खुला 2 महीने, जिसने मुझे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स, बहुत सारे अच्छे टीचर्स दिए। थैंक यू टू कि मुझे इतने प्यारे टीचर्स मिले, और टीचर्स थैंक यू सो मच। मैं ना आप सारे टीचर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूंगी। मैं नॉर्मल सारे टीचर्स से नहीं मिली, मैं 3 टीचर्स से मिली हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बोलना चाहूंगी। थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स। मैं सबसे पहले बात करती हूँ मेरी फेवरेट टीचर के बारे में, जो इतनी क्यूट है, इनोसेंट है जी। उनके बारे में तो बोलना ही क्या बोले, मतलब शी इज टू मच, मतलब बहुत ज्यादा क्यूट। देन हमारी क्लास टीचर सीमा मैम, सीमा मैम थैंक यू हमारी क्लास टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट मैं अपनी टीचर के बारे में बात करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें 1 मंथ पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, और 1 मंथ के अंदर उन्होंने हमें इतना वो मोटिवेट कर दिया है कि हाँ हम अपने पेपर में कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने पेपर में आउट ऑफ मतलब 40 out of 40 ला सकते हैं। थैंक यू पूजा मैम हमें इतना मोटिवेट करने के लिए, हमें इतना हेल्प करने के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगी उस टीचर के बारे में जिसको मतलब हमें पढ़ाने के लिए अपने सारे एफर्ट्स डाल देती है। वो टीचर रात को अगर उनको 11 बजे भी मैसेज करके क्वेश्चन करो ना, तो उनका रिप्लाई आ जाता है, और इंटर में याद है बच्चे अगर और कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। थैंक यू रेखा मैम हमारी हेल्प के लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगी हमारी सुनीता मैम के बारे में। मैम आपने तो हमें इतना मतलब जो भी पढ़ाया था इतनी मस्ती में पढ़ा दिया कि हमें सब कुछ याद हो गया। हमारे स्कूल में आप इकलौते ऐसे टीचर जिसको इकोनॉमिक्स हमें पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम।